आपको बहुत बहुत नमस्ते। आज फिर हम साईं बाबा श्री साई सत चरित्र, ये पुस्तक है मेरे हाथ में, इसमें से हम दोबारा पढ़ेंगे और पेज नंबर 110 से शुरू करेंगे। द बाबा स्पोक एज फॉलोज, माई मेथड इज क्वाइट यूनिक। अब यहाँ बाबा कह रहे हैं कि मेरा तरीका जो है बड़ा अलग है, और ऐसा तरीका बेसिकली औरों ने फॉलो नहीं किया, इसीलिए ये यूनिक है। टू गेट द नॉलेज, मतलब रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, ध्यान मेडिटेशन इज नेसेसरी। इफ यू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली द वृत्तीज थॉट विल बी पेसिफाइड। बीइंग क्वाइट डिजायरलेस यू शुड मेडिटेट ऑन द लॉर्ड हु इज इन ऑल द क्रिएचर्स, एंड व्हेन द माइंड इज कंसंट्रेटेड द गोल विल बी अचीव। मेडिटेट ऑलवेज ऑन माई फॉर्मलेस नेचर। अब यहाँ पे ये पता नहीं साईं बाबा ने कहा है या हेमंत पंत दाभोलकर ने कहा है, तो ये हेमंत पंत दाभोलकर कहते हैं कि साईं बाबा ये कह रहे हैं कि मैं फॉर्मलेस नेचर है मेरा, मतलब उस पर मेडिटेट करो। तो हिंदू जो शास्त्र हैं उसमें से जैसे आपके श्री शंकराचार्य जो हुए थे अपने, जिन्होंने वेदांत दर्शन दिया, बेसिकली उन्होंने कहा है कि ईश्वर जो है सब जगह फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये डाल दिया गया है कि ईश्वर सब जगह फैला हुआ है। अब आप इस ईश्वर को मेरे पीछे देख सकते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। ये तीन पिक्चर है, इसका एनालिसिस औरों ने किया हुआ है। आप इन तीन पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको ये तीनों अलग अलग पिक्चर दिखाई देंगी। ये साईं बाबा की तीनों पिक्चर बड़ी प्रचलित हैं और आप लोग भी ध्यान से देख के समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। ये अलग अलग किस्म की पिक्चर है अलग अलग व्यक्ति की, क्योंकि देखिए पहली पिक्चर में नाक अलग है, दूसरी में नाक अलग है, तीसरी में तो शक्ल भी थोड़ी अलग हो गई, बीच की शक्ल अलग है। तो ये सारी साईं बाबा की पिक्चर है जो लोग अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे पीछे फॉर्मलेस भगवान बैठे हैं आपके, ये फॉर्मलेस हैं, ये सब जगह हैं, पूरी सब जगह। तो इनपे आप ध्यान करिए, पता नहीं फॉर्मलेस पे कैसे तो ध्यान करेंगे, लेकिन इसमें मेथड सिखाया गया है फॉर्मलेस का भी। तो एनीवे उस मेथड को, वो मेथड भी क्या है, वो आपका अपना ही हिंदू धर्म में से लिया हुआ मेथड है। तो इसकी चिंता ना करते हुए यहाँ पे दिखाने का औचित्य ये है कि किस तरीके से जो अद्वैत है वो यहाँ पे डाल दिया गया है हेमंत पंत दाभोलकर के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं, बीच में मैं कुछ पेजों को छोड़ूंगा क्योंकि कितनी लीला पढ़ी जाए, मतलब आप थक जाएंगे लीला पढ़ पढ़ के, लीला पढ़ पढ़ के। और फिर हिंदू शांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, आपके पतंजलि योग दर्शन और सारे क्या क्या उपनिषद सब डाल दिए गए हैं इसमें, भगवत गीता डाल दी गई है। पेज नंबर 116 पे आते हैं हम, बड़ा अच्छा है यहाँ पे। साई वॉज ओरिजिनली फॉर्मलेस, ही अज्यूम्ड अ फॉर्म फॉर द सेक ऑफ भक्त। आप सोचिए अगर साई फॉर्मलेस थे और सब जगह फैले हुए थे और वो भक्तों के लिए फिर एक शरीर में आ गए, तो अगर वो सब जगह फैले हुए थे और सबको सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे और एक शरीर के अगर अंदर वो आ गए तो बाकी सब चीजें तो खत्म हो जानी चाहिए थी, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाना चाहिए, राइट? और सब लोग मर जाने चाहिए हर चीज, क्योंकि साईं जब सब जगह फैले हुए हैं और अचानक वो एक शरीर में आ जाए तो बाकी जगह तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, या फिर जो व्यक्ति सब जगह फैला हुआ है उसे शरीर में आने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो उस शरीर के अंदर भी है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? विद द हेल्प ऑफ द एक्ट्रेस माया, यहाँ पे माया जो है, अब देखिए फिर से ये आपका अद्वैत कहा गया ना, आपको पता है माया ये सब उसमें है वेदांत दर्शन में, तो यहाँ पे हम माया आ गई, एक्ट्रेस है वो। He played the part of the actor in the big drama of the universe. Wow, भाई, तो big drama of universe में अब ये part play किया इन्होंने। Let us go to Shirdi and see carefully the program after the noon आरती। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई क्योंकि साईं बाबा भगवान हैं, वो formless हैं, वो आप लोगों के लिए शरीर में आए, इसलिए Shirdi में आइए। तो भाई natural है कोई व्यक्ति इतनी लीलाएं पढ़ेगा, इतनी या तो कृष्ण लीला है, आप ये भागवत पुराण वगैरह में पढ़ सकते हैं, या फिर आपने ये साई सत चरित के अंदर इतनी लीलाएं हैं, और किसी पुस्तक में इतनी लीलाएं नहीं है, मतलब अनाप शनाप। अब देखिए ईशा वात्स्य उपनिषद, दस गनु वंस स्टार्टेड टू राइट अ मराठी कमेंट्री ऑन द ईशा वात्स्य उपनिषद, ये बड़ा अच्छा उपनिषद है। लेट अस फर्स्ट बिगिन अ ब्रीफ आइडिया ऑफ द उपनिषद बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। इट इज कॉल्ड अ मंत्र उपनिषद, एज इट इज एम्बॉडीड इन द मंत्र ऑफ द वैदिक संहिता। इट कंस्टिट्यूट द लास्ट ऑफ द 40 चैप्टर ऑफ वजेसायनी संहिता यजुर्वेद। ठीक है, अब ये इनका दस गनु एक व्यक्ति है, ये कमेंट्री लिख रहा है उपनिषद के ऊपर, ठीक है। लेकिन उपनिषद इसमें, अब इस पैराग्राफ को मैं पूरा क्या पढ़ूं, मैं आप कोई पढ़ लीजिएगा, इसमें यह बताया गया है कि जो उपनिषद की कमेंट्री है उसको लिखना मुश्किल है, लेकिन साईं बाबा को फॉलो करना ज्यादा आसान है। मतलब जो क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा वो बेसिकली साईं बाबा को फॉलो करने से होगा। तो आप उपनिषद चाहे उस पर कमेंट्री लिखिए, कितना भी कुछ करिए, लेकिन साईं बाबा की वैल्यू अलग है। तो पूरी पुस्तक में यह बताया गया कि हिंदू तुम अपने भगवत गीता
आप गणेश सब पूजा वूजा को छोड़ के आप सिर्फ साईं बाबा पे आइए, आपकी सब चीजें यहीं से पूर्ण होंगी, तो यही आपके एकमात्र एक ईश्वर है। तीनों की शक्ल अलग अलग है मेरे पीछे, आप ये ध्यान दीजिएगा। सदगुरु ओनली कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन, ओके, साईं बाबा ही कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड है किसी भी चीज को समझाने में, और खास तौर से अध्यात्म को समझाने के लिए। अब मैं बीच में फिर कुछ पेजेस छोड़ूंगा, मैं आता हूं अनंतरो पटनाकर, पेज नंबर 123 पे है। वन जेंटलमैन फ्रॉम पूना बाय नेम अनंतराव पटनाकर विश टू सी बाबा, ही केम टू शिरडी एंड टुक बाबा दर्शन, बाबा के दर्शन लिए उसने, इस व्यक्ति ने, उसकी आंखों को बड़ा अच्छा लगा, बाबा के पैरों में पड़ गया वो। मैं ये सीधा हिंदी पढ़ के डायरेक्ट आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, डायरेक्ट हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ और हिंदी में ट्रांसलेट किए जा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर वर्शिप, पापा के पैर छू के प्रॉपर उनकी पूजा करके कहता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, मैंने वेद पढ़े, मैंने वेदांत पढ़े, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने सारे पुराण पढ़े, ये अनंत राव पटनाकर कहता है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली बाबा, मुझे शांति नहीं मिली। मुझे सब कुछ पढ़ने के बाद, मैंने सब कुछ किया, उनमें लिखा था, मैंने सब फॉलो किया, मुझे शांति नहीं मिली, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है बाबा, ये सारी किताबें किसी काम की नहीं है। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है बाबा कि शांति जो है वो सिर्फ आपके ही एक दर्शन से हो जाती है, मियर ग्लांस से, और आपके मुंह से निकले हुए बड़े सुंदर शब्दों से शांति हो जाती है। तो बाबा मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझ पे दया कीजिए, मुझको ब्लेस करिए बाबा कि मेरे आत्मा में शांति हो जाए बाबा। अब आप ये देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि भाई हिंदू भाइयों, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है जिसने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेदांत दर्शन पढ़ा, तो ये सब जो हैं, ये सारे ग्रंथ तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी पढ़े, तो यानी वो भी अशांत रहे होंगे, है ना। अब ये कहने इसमें पूरा तात्पर्य यही है कि भाई आप हिंदुओं अपने कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, आपका कुछ भला नहीं होगा, आपको बस साईं बाबा के एक दर्शन से ही आपका उद्धार हो जाएगा। अब आते हैं बहुत ही बढ़िया, मतलब पता नहीं ये पता नहीं कोई साईं बाबा करके व्यक्ति हुआ भी या नहीं हुआ, क्योंकि जहां तक जब मैं पढ़ा जितना ये, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा। ये एक मनगढ़ंत कहानी बना दी है, अब ये मेरा अपना विचार है, और मैं तो ऋषि दयानंद आर्य समाज के जो है महर्षि दयानंद सरस्वती, एक दिन वो ऐसे ही मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला बेटा मैंने बाकी तो सब पे लिखा है, जरा इनको भी, इनके बारे में भी तुम लिखो, इन्हें एनालिटिकल दिमाग से पढ़ो, क्योंकि महर्षि दयानंद तो एक बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक दिमाग के व्यक्ति थे, महापुरुष थे, देखा जाए सही में महर्षि थे अगर कोई उन्हें पढ़ना चाहे। आर्य समाज जैसी महासंस्था का उन्होंने क्या कहते हैं जीवन दिया, ऐसी संस्था को निर्माण किया, और एक से एक बड़े काम आर्य समाज ने किए हैं। खैर उसके ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो सनातन वैदिक धर्म को बचाए हुए है, लेकिन हमारे हिंदू भाई तो उनको भी नहीं मानते उन्होंने आर्य समाज को भी एक किस्म से अपना दुश्मनी बना रखा है। खैर आगे चलते हैं, अब सुनिए ये कहानी। पैराबल ऑफ नाइन बॉल ऑफ स्टूल, टट्टी की नौ गेंदों की कहानी है ये, एक किस्म से एग्जाम्पल है ये, नवविदा भक्ति कहते हैं, मतलब टट्टी जो है उसकी 12 गेंदे हैं, टट्टी की नवविदा भक्ति बनी है इससे। एक बार एक सौदागर आया, उसके पास एक घोड़ी थी, उस घोड़ी ने टट्टी करी, नौ टट्टी के पीस की, आपने देखा ना घोड़ी, घोड़े घोड़ी लैटरिन करते हैं तो गोले से गिरते हैं ऐसे पट 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 पट, राइट, मैं तो बहुत देखा है गांव में, तो इस घोड़ी ने टट्टी करी। मर्चेंट इंटेंट ऑन द क्वेस्ट स्प्रेड द एंड ऑफ, अब जो मर्चेंट था, जो ये बिजनेसमैन था, उसकी उसने क्या करा, अपनी धोती को खोला और सारी की सारी नौ गेंदे टट्टी की उसमें डाल ली, अपनी धोती में, जैसे धोती पहनते हैं ना, जल्दी से धोती खोली और नौ गेंदे जो टट्टी की थी वो उसमें डाल ली अपने उसमें। अब ये मिस्टर पटनाकर कुड नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी, तो ये कहानी जो है हमारे बाबा सुना रहे हैं ये एक व्यक्ति को, तो जो मिस्टर पटनाकर है जिन्हें सुनाए जा रहे हैं वो समझ नहीं पाए कि ये भाई कहानी है क्या। तो उन्होंने गणेश नाम के व्यक्ति से पूछा कि भाई ये क्या कहानी है, बाबा ने इसका क्या मतलब है, मतलब बाबा ने जो ये बताया है कि नौ टट्टी के पीस करे घोड़ी ने और उसको इस तरीके से धोती में बांध दिया, ये क्या इसका मतलब है क्या, आप सोचिए, वाह यहाँ पे। तो ये बोलता है, he replied, I too do not know all the Baba says in me, but at his inspiration I say what I come to know. तो कहता है मुझे ये समझ तो नहीं आता है कि बाबा क्या कहते हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन के द्वारा मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। अब ये
ये बताता है कि ये इसका मतलब हो क्या सकता है, तो इसे पूरी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट हियर, बट ही इज ट्राइंग टू स्टिल एक्सप्लेन. द मेयर इज गॉड ग्रेस, जो घोड़ी है वो गॉड का ग्रेस है, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है घोड़ी. नाइन बॉल एक्सक्रीटेड आर द नाइन फॉर्म्स और टाइप ऑफ भक्ति, जो नौ टट्टी के गोले निकले हैं घोड़ी में से वो नौ किस्म की भक्ति है. श्रवणा पहली है, हियरिंग पहला टट्टी का गोला, दूसरा टट्टी का गोला कीर्तन प्रेइंग है, तीसरा टट्टी का गोला स्मरणा रिमेम्बरिंग है, चौथा टट्टी का गोला पेदा सब पड़ा पदा सेवना रिजॉर्टिंग टू द फीट, अच्छा पदों की सेवा करना है, पांचवा टट्टी का गोला घोड़ी का अर्चना वर्शिप है, छठा टट्टी का गोला नमस्कार बो करना है, सातवां टट्टी का गोला दस्य सर्विस है, आठवां टट्टी का गोला शाख्यत्व फ्रेंडशिप है, नवा टट्टी का गोला आत्मानी वेदाना है, सरेंडर टू द सेल्फ है. सो देखिए नौ किस्म की टट्टी है, ठीक है, और ये टट्टी को कंपेयर किया भक्ति से. तो आप ये सोचिए पूरे वैदिक हिंदू धर्म में कहीं भी टट्टी को किसी भी फिलोसफी से कंपेयर नहीं किया. ये महान कार्य ये चांद मियां ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पर ध्यान से सोचूं तो ये फकीर सूफी ये सब मिडिल ईस्ट के लोग थे. मिडिल ईस्ट में घोड़ियां घोड़े गधे गधी है ना, ये सब होते थे, तो टट्टी के गोले ज्यादा थे उस तरफ. भारत देश क्या है, गायों का देश है, गौ माता का देश है, तो गोले नहीं गिरते वहां इस तरीके से, है ना. घोड़ों का भी देश रहा है, लेकिन इस तरीके से किसी भी ग्रंथ में टट्टी को या टट्टी के जो लीद होती है उसके पीसेस को इस तरीके से भक्ति से कभी नहीं जोड़ा गया. ये बड़ा मतलब एक इन्वेंशन है, मतलब अद्भुत है. हेमंत दाभलोकर और ये जो व्यक्ति जो भी इसमें है पटनावकर और चांद मियां साईं बाबा, ये मतलब कमाल का है. मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता कि कोई टट्टी को भक्ति से जोड़ सकता है, तो ये तो कोई मतलब बिरला ही हो सकता है. मतलब नोबेल प्राइज प्राप्त करने लायक है ये फिलोसफी. इफ एनी ऑफ दिस इज फेथफुली फॉलो लॉर्ड, तो वो कहते हैं कि अगर आप इनमें से किसी को भी आप फॉलो करोगे तो लॉर्ड हरि खुश हो जाएंगे, अपने को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और तप योग इस जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ये सब यूजलेस हैं. आप ये याद रखिए, इसमें कहते हैं कि ये जो टट्टी से कंपेयर किए हैं नौ टट्टी के गोलों से भक्ति को, अगर आप कुछ और करते हो, चाहे आप योगा करते हो वो भी बेकार है, तप करते हो वो भी बेकार है, साधना जप वगैरह जो भी करते हो आप लोग सब बेकार है. ये नौ टट्टी के गोले जो है भक्ति के नौ पार्ट्स, अगर आप ये करते हो साईं बाबा को देखते हो तो बस वही सब कुछ है. इस पैराग्राफ का मेन औचित्य यही है. अगले दिन पटनाकर वेंट टू बाबा फॉर सैल्यूटेशन, ही वाज आस्क्ड वेदर ही कलेक्टेड द नाइन बॉल्स ऑफ स्टूल. तो अगले दिन जब बाबा के पास गया तो बाबा ने पूछा तुमने नौ टट्टी के गोले जो थे वो कलेक्ट किए, मतलब जो भक्ति के नौ भक्ति के पार्ट थे वो कलेक्ट किए. Then he said that he being a poor fellow should first be graced by Baba and then he then all that easily will be collected. Then Baba blessed him. और पटनाकर बहुत खुश होकर चला गया. साईं बाबा greatness is unfathomable, क्योंकि वो 100 किलोमीटर से भी सुन लेते थे और 100 किलोमीटर से भी देख लेते थे, क्योंकि वो formless थे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखिए कहानी अपनी जगह है, लीलाएं अपनी जगह है, लेकिन किसी भी समाज को अपनी बुद्धि और दिमाग लगाने की जरूरत है. आप जब मेरे इनको सुन रहे हैं व्याख्यानों को, ये महर्षि दयानंद की बदौलत ही है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इस पुस्तक का, ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, इसका मैं आप सबको पढ़ के विश्लेषण कर रहा हूँ. मैं कुछ अपनी ओर से इसमें जोड़ नहीं रहा हूँ, ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए. मैं सिर्फ ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना. ये ऋषि दयानंद की देन क्या है कि वो आपके ज्ञान चक्षु खोल देते हैं. इसलिए मैं हिंदू भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप जो भी पढ़ें उसमें बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं, है ना. जैसे गणेश हो गए हाथी की सूंड, तो ये बहुत सोचने की बात है कि भाई गणेश जी की तो हाथी की सूंड थी, उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे जो कि मनुष्य थे, उसकी उनकी कोई सूंड नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था. तो अगर गणेश जी के हाथी की सूंड लगी होगी तो साइंटिफिकली डीएनए भी क्रॉस हुआ होगा, मैच हुआ होगा, है ना. गणेश जी का फिर उनकी पत्नी में भी गया होगा, फिर बच्चे पैदा हुए होंगे, तो उन बच्चों के अंदर भी तो कोई जानवर वगैरह इस तरीके का निकलना चाहिए था, तो सूंड बड़ी हो जाती है, कान बड़े हो जाते, कुछ तो. मतलब हम लोगों को ये सोचना है कि हर चीज जो संस्कृत में लिखी है वो सत्य नहीं है. संस्कृत में इतनी झूठी चीजें लिखी गई हैं 1000 साल में, जिनकी आप कोई तुलना भी नहीं कर सकते, और वो महान कार्य उस संस्कृत में से उस गंदगी को निकालने का आर्य समाज जैसी महान संस्था ने किया है. तो हिंदू आप जहां जहां पे भी हैं, अगर आप कहीं भी आर्य समाज से जुड़ सकते हैं, आप उनके साथ जाइए, उनसे ये ज्ञान प्राप्त करिए, उनके साथ जुड़िए. वरना
आप मेरे साथ यहाँ पे चैनल पे आ सकते हैं, है ना, आप समझ सकते हैं चीजों को, आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, होगा तो मैं बिल्कुल ये वीडियो इस तरीके का बनाऊंगा, क्योंकि इस पुस्तक के लिए कम से कम 10 लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट भेजी थी कि क्या आप ये पुस्तक पढ़ के इसमें क्या है ये बता सकते हैं, क्योंकि लोगों ने कुछ इधर उधर सुना, उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, साईं बाबा की तो एक ही पुस्तक है, सबसे प्रमाणिक है, उनके जीवन काल में उनके सबसे बड़े शिष्य ने लिखी है, उनके सामने लिखी है। अब मैंने तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी छोटी सी बुद्धि ने जितना इसमें दिमाग लगाया, विश्लेषण किया, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद कहिएगा, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको बहुत सारी ऐसी सत्य चीजें मिलेंगी जो आसानी से मिलनी बड़ी मुश्किल है। ठीक है, चलिए, नमस्ते आप सबको, ओम, धन्यवाद।